गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ वेट लॉस हैक्स एंड टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो लेजी पीपल के लिए, जिन्हें एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है लेकिन उन्हें वेट लॉस भी करनी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एंड ये जो टिप्स एंड हैक्स जो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ ना, ये मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ। कुछ छोटे छोटे बहुत ही इजी टिप्स है जो इजीली हर कोई फॉलो कर सकता है। एंड जितना इजी ये हैक्स है ना, उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव भी है। सिर्फ छोटे मोटे चेंजेस ही आपको करनी होगी जिससे कि आप एक ह्यूज डिफरेंस देख सकते हो अपने ओवरऑल वेट में। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो वेट लॉस टिप है ना, वो है कि आप अपनी प्लेट्स को चेंज कर दीजिए। जिन प्लेट्स में आप खाते हो ना, उन प्लेट्स की साइज को आपको चेंज करनी है। आपको खानी है स्मॉलर प्लेट्स में। जो प्लेट्स बहुत छोटी होती है उन प्लेट्स में ही आपको अपना खाना खाना है, चाहे वो लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, जो भी हो। सभी आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रही होगी कि स्मॉल प्लेट से खाने से कैसे हमारी वेट लॉस होगी। तो उसके पीछे भी ना एक साइकोलॉजी है। जब हम लार्ज प्लेट्स यानी बड़े प्लेट्स में खाते हैं ना, तब हम उसमें फूड बहुत ज्यादा ही सर्व कर देते हैं। जब तक वो प्लेट पूरी अच्छे तरीके से फुल ना हो जाए, तब तक हम उसमें फूड सर्व करते रहते हैं एंड इसके बाद हम खाते हैं, ओके। एंड जब हम स्मॉल प्लेट्स में फूड सर्व करते हैं तो हम स्मॉल प्लेट्स में ज़्यादा फूड सर्व नहीं कर सकते हैं, राइट, क्योंकि प्लेट फुल हो जाती है। एज ए रिजल्ट इसके बाद जब हम खाते हैं तो हम कम खाते हैं, क्योंकि प्लेट में फूड कम होती है तो हम कम ही खाते हैं। लेकिन सेम अगर आप कम फूड खाना चाहते हो एंड अगर आप लार्ज प्लेट्स ले रहे हो, बड़ा प्लेट ले रहे हो, तो जब हम उसमें बहुत ही कम फूड सर्व करते हैं ना, वो प्लेट काफ़ी ज़्यादा खाली खाली टाइप लगती है। एंड जब हम खाते हैं फूड को तो हमें लगता है कि प्लेट बहुत ज़्यादा खाली है, तो हमने कम खाया है। तो इसलिए आपको स्मॉल प्लेट्स में खानी है, इससे प्लेट भी काफ़ी हद तक फुल रहती है एंड हम कम भी खाते हैं एंड हमारे माइंड में ये मैसेज चला जाता है कि हमने पेट भर के ही खाना खाया है, ओके। सो नेक्स्ट जो वेट लॉस टिप्स है वो जिन लोगों को एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, सो इट्स ओके अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है। वैसे तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप करना नहीं चाहते हो, देन इट्स ओके, क्योंकि एक्सरसाइज से ज़्यादा हमारी डाइट ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी वेट लॉस में। अगर आप डाइट में बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस करोगे देन आपको एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। एंड डाइट में भी आपको ऐसा नहीं है कि आप एकदम खाना ही छोड़ दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको खाना है लेकिन कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी है टोटली अपनी डाइट से, एकदम आप कह सकते हो कट करनी है। मेनली आपको चार चीज़ें कट करनी है बिल्कुल अपनी डाइट से। सबसे पहला है शुगर। शुगर से बनी हुई कोई भी चीज़ या फिर डायरेक्ट शुगर आपको कभी भी नहीं खानी है। एंड अभी बहुत लोग बोलेंगे कि चाय में ही एक चम्मच शक्कर मिला के हम खाते हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम को, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। क्योंकि दिन में अगर आप एक बार ही चाय पीते हो एंड इसमें आप 1 टीस्पून शक्कर मिलाते हो, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 1 ईयर में आप 365 टीस्पून शुगर भी खा रहे हो, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इससे आपकी 1 ईयर में 2 केजी तो ईजिली बढ़ ही जाएगी, तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है। शुगर को कम्प्लीटली आपको छोड़ ही देना है, अवॉइड करना है। आई नो फर्स्ट आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन ट्रस्ट मी कुछ टाइम के बाद आप खुद ही छोड़ दोगे इसे खाना, क्योंकि इसके बाद में जो पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ना, वो इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग होने वाली है कि आपको खुद ही मन नहीं करेगा कि आप शुगर ये सब कभी भी खाओ। सो नेक्स्ट पॉइंट्स में भी ज़रूर आप बने रहिए। सो सबसे पहला तो था शुगर। सो इसके बाद आपको अवॉइड करनी है एक्सेसिव ऑयली फूड, जो बहुत ही ऑयल से चिपचिपा हो, एंड बाहर के जो फूड है जैसे कि समोसे, पकोड़े, ये सब आपको नहीं खानी है। घर का बना हुआ भी आपको ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खानी है। बहुत थोड़ा बहुत ऑयल तो हमें कुकिंग में ज़रूरत होती है, उतना ऑयल आप डेफिनेटली खा सकते हो, लेकिन एक्सेसिव ऑयली फूड्स को आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, ओके। बाहर का कोई भी जंक फूड आपको नहीं खानी है, वो ये पॉइंट ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी को पता है कि जंक फूड खाने से हमारी वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं होती है। इससे हमारी वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड वो वेट गेन भी बहुत ही अनहेल्दी वे में होती है, तो इसीलिए जंक फूड इज़ अ बिग नो नो। एंड द लास्ट एंड फोर्थ जो पॉइंट है वो है मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है। तो आप जो भी खाते हो उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में चेक कीजिए कि उसमें मैदा है या नहीं। तो ये मेनली चार चीज़ आपको अवॉइड करनी है, शुगर, ऑयली फूड, जंक फूड एंड जो भी चीज़ जो मैदा से बनी हुई है, ओके। जो नेक्स्ट हैक है ना वो है दी वाटर टेस्ट, जो मैं काफ़ी ज़्यादा फॉलो करती हूँ एंड मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम घर में रहते हैं एंड हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। बोर होने के चक्कर में ना हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, हमें ऐसा फील होता है कि हमें भूख लग रही है। इस टाइम आपको क्या करनी है, आपको एक ग्लास पानी पीनी है।
एक ग्लास पानी पीने के बाद आप 5 मिनट्स के लिए वेट कीजिए एंड 5 मिनट्स के बाद आप देखिए कि आपको भूख लगती है या नहीं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम बोर होते हैं एंड बोर होने के चक्कर में ही हमें भूख लगने लगती है, तो इसीलिए आप पानी पीजिए एंड पानी पीने के बाद 5 मिनट्स के बाद आप देखोगे कि आपकी भूख इतनी ज्यादा नहीं लगेगी। एंड पानी पीने के बाद भी अगर आपको हंग्री फील होती है देन डेफिनेटली आप कोई भी फ्रूट्स, एप्पल, बनाना ये सब खा सकते हो ओके। लेकिन अगर आपको भूख नहीं लगती है पानी पीने के बाद देन आपको कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट जो वेट लॉस हैक टिप है वो है, आप जब भी लंच करते हो ना, लंच करने से 15 मिनट्स पहले आप एक प्लेट में थोड़ा सा सलाद लीजिए और सलाद को खा लीजिए। इससे क्या होगा कि लंच में आप ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करोगे, क्योंकि लंच से 15 मिनट्स पहले ही आपने सलाद खाया है तो आपकी पेट ना सलाद से फुल हो जाएगी एंड आपको ज़्यादा हंगरी भी फील नहीं होगी। इससे आप लंच में ओवर ईटिंग करने से बच जाओगे एंड ये डायरेक्टली आपके वेट लॉस के लिए ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो नेक्स्ट जो वेट लॉस टिप है वो उन लोगों के लिए है जो चाय की बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, जिन्हें चाय के बिना ना उनकी दिन शुरुआत ही नहीं होती और दिन के एंड भी नहीं होती है, तो उनके लिए है। तो चाय आप ज़रूर पी सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया है कि चाय में शक्कर ऐड नहीं करनी है एंड हो सके तो आप ग्रीन टी पीजिए, क्योंकि ग्रीन टी बहुत ही अच्छी होती है हमारी वेट लॉस के लिए। ये हमारी वेट लॉस प्रोसेस को ना बहुत ज़्यादा फास्ट कर देती है, आपने जो जो खाया है ना दिन में वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है जब आप ग्रीन टी पीते हो। अगर आप वेट लॉस के लिए ग्रीन टी पीना चाहते हो तो ग्रीन टी में ना थोड़ा सा लेमन को भी स्क्वीज कर लीजिए एंड ग्रीन टी एंड लेमन का जो मिक्सचर है ना वो आपकी बॉडी से जो भी टॉक्सिन्स है ना उस टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देगी एंड इससे आपके वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो स्विच टू ग्रीन टी इफ पॉसिबल। तो जो नेक्स्ट वेट लॉस टिप है ना वो है मील प्लानिंग। सो मील प्लानिंग का मतलब ये है कि आप दिन में क्या क्या खाओगे ना उसे आपको पहले ही प्लान करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप लंच में क्या खाओगे मॉर्निंग सुबह उठ के ही आप प्लान कर लीजिए एंड डिनर में आप क्या खाओगे वो आप इवनिंग में ही प्लान कर लीजिए। प्लानिंग से क्या होता है कि आप ज़्यादा अनहेल्दी फूड एंड ज़्यादा जंक फूड खाने से अपने आप को अवॉइड कर सकते हो। कि फॉर एग्जांपल अगर आप अभी लंच करोगे एंड लंच करने से पहले आपने कुछ प्लान नहीं किया है कि आपको क्या खाना है तो क्या होगा कि आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होगी एंड यू विल एंड अप ईटिंग जंक फूड्स, ईटिंग अनहेल्दी ऑयली फूड्स। तो इसीलिए जब आप प्लान करोगे तो आप हेल्दी फूड्स को अगर आपके घर में नहीं भी है तो वो हेल्दी फूड आप ला के अपनी फ्रिज में रख सकते हो या फिर ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हो एंड लंच के टाइम में या फिर डिनर के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ईजी होगी, आप डायरेक्टली उन फूड्स को लीजिए और आप खा सकते हो। आपको ज़्यादा चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं होगी कि क्या खाए, घर में अभी हेल्दी ऑप्शंस कुछ नहीं है, तो ये ट्रिक भी आप फॉलो कर सकते हो। इससे आपकी वेट लॉस की जो जर्नी है ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो वेट लॉस टिप है वो है डिवाइड योर मील्स है ना, एंड ये जो डिवाइड द मील्स वाली टिप है ना वो उनके लिए है जो अपने खाने की क्वांटिटी को ना कम नहीं कर सकते हैं, उन्हें उतना ही खाना है जो वो हमेशा खाते रहते हैं, तो उनके लिए ये टिप ना एकदम बेस्ट है। आप जितना खाते हो आप डेफिनेटली उतना खा सकते हो, लेकिन आपको उस पर्टिकुलर मील को आपको डिवाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लंच करते हो 1 बजे एंड 1 बजे आप एक लार्ज प्लेट में फुल प्लेट आप फूड लेते हो तो आपको क्या करनी है, 1 बजे आपको हाफ प्लेट फूड ही लेनी है, बाकी की जो हाफ खाना है ना उसे आप खा सकते हो 3 बजे ओके। इससे क्या होगा कि मिडिल में 2 घंटे की ब्रेक होगी एंड जब आप अपनी मील को या फिर लंच को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे ना इससे क्या होगा कि आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे एंड आपकी जो फूड है ना वो बहुत ही इजीली डाइजेस्ट होगी, डाइजेशन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपकी वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो ये ट्रिक भी आपको फॉलो करनी है। अगर आप अपनी क्वांटिटी को कम नहीं कर सकते हो तो क्वांटिटी को डिवाइड कर लीजिए, कुछ छोटे छोटे इंटरवल्स में आप खाते रहिए लेकिन कम कम क्वांटिटी में खाइए ओके। सो जो नेक्स्ट वेट लॉस टिप है ना वो है डिनर को लेके। सो डिनर आपको हमेशा लाइट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप लंच में 1 प्लेट राइस खाते हो तो डिनर में आपको हाफ प्लेट राइस करनी है, यानी लंच में जितना आप खाते हो ना डिनर में आपको उसकी क्वांटिटी को हाफ कर देनी है। डिनर हमेशा लाइट होनी चाहिए, जितना लाइट हो सके उतनी होनी चाहिए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगी कि अगर डिनर में हम बहुत ज़्यादा लाइट करेंगे तो हमें रात को भूख लगेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाली है क्योंकि डिनर करने के बाद तो हम सो जाते हैं, हमें वैसा कुछ काम नहीं होता है। तो इसीलिए अगर डिनर आप थोड़ा सा लाइट भी करोगे ना इससे आपकी कोई भी हानि नहीं होगी, उल्टा आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होगी आपके वेट लॉस में। सो डिनर हमेशा आपको लाइट करनी है एंड ट्राई कीजिए कि डिनर को आप हमेशा रात को 8 बजे से पहले कीजिए। सबसे ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप 7 बजे से पहले ही अपना डिनर कंप्लीट कर लो, लेकिन आई नो ये ज़्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है, तो इसलिए मैंने कहा है कि 8 बजे से पहले कर लो। लेकिन 8 बजे से पहले भी अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप एटलीस्ट
9 बजे से पहले कर लो, ओके। इससे लेट आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा लेट करके अगर आप डिनर करोगे ना, तो इससे आपके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, यू विल एंड अप गेनिंग मोर वेट। तो आपको अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो डिनर लाइट कीजिए, एंड डिनर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लीजिए, ओके। एंड डिनर में और एक पॉइंट में ऐड करना चाहती हूँ, वो है खाने के तुरंत बाद आपको सोना नहीं है, बेड में नहीं जाना है, डिनर करने के एटलीस्ट 2 घंटे के बाद ही आपको सोना है। सो इससे पहले आप थोड़ा सा 5 मिनट्स के लिए या फिर 10 मिनट्स के लिए थोड़ा सा वर्क कर सकते हो, अगर वर्क नहीं भी करते हो तो एटलीस्ट आपको बेड में जाके डायरेक्टली सोना नहीं है, ओके। सो नेक्स्ट जो वेट लॉस टिप है ना, वो मैं बहुत ही ज़्यादा फॉलो करती हूँ, एंड ये जो टिप है ना बहुत ज़्यादा बेसिक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें आपको खाने में भी कंट्रोल नहीं करनी है, आपको एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, कोई भी वेट लॉस ड्रिंक भी नहीं लेनी है, कुछ नहीं करनी है, लेकिन ये टिप ही बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टिप ना आपको डेली मोटिवेट करेगी आपके वेट लॉस जाने में। सो वो टिप ये है कि आपकी जो मोबाइल की वॉलपेपर है या फिर होम स्क्रीन या फिर लॉक स्क्रीन की जो वॉलपेपर है ना, उसे आपको सेट करनी है एज अ मोटिवेशन वॉलपेपर। आप गूगल में सर्च कर सकते हो वेट लॉस मोटिवेशन कोट्स, तो आपको बहुत बहुत ही अच्छे अच्छे मोटिवेशनल कोट्स मिल जाएगी वेट लॉस से रिलेटेड, एंड उन मोटिवेशनल कोट्स को आपको अपनी मोबाइल की वॉलपेपर या फिर लॉक स्क्रीन में सेट करनी है। सो जब भी आपको लगे कि आपको वेट लॉस नहीं करनी है, आप फेड अप हो गए हो, आप डीमोटिवेट हो गए हो, तो आप अपना मोबाइल तो चेक करते हो, जब भी आप अपना मोबाइल ऑन करोगे ना, तो उस मोटिवेशन कोड को देख के आप बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे। ऐसा ही कोड कुछ कोड्स रखिए जो आपसे बहुत ज्यादा रिलेटेबल है, जिससे देख के आप बहुत ज्यादा अपने आप को रिलेट कर सकते हो, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। सो जब भी आप अपने मोबाइल को ऑन करोगे तो पहले आप वही वॉलपेपर देखोगे, एंड इससे आप बहुत ज्यादा एनकरेज होगे अपने ओवरऑल वेट लॉस जर्नी में। एंड जो मैंने पहले आप लोगों को पॉइंट्स बताई है ना, वो भी आप बहुत ही इजीली कर सकते हो अगर आप इस पॉइंट को फॉलो करते हो। सो यही थे कुछ वेट लॉस टिप्स एंड हैक्स फॉर लेजी पीपल, जो एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं लेकिन फिर भी उन्हें वेट लॉस करनी है। तो इन छोटे छोटे हैक्स या फिर टिप्स को ना आप जरूर फॉलो कीजिए, आई एम श्योर कि आप लोगों के लिए ना ये टिप्स एंड हैक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइस यही था मेरा आज का ये वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे और भी वीडियोस आगे देखते रहने के लिए। सो मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।